तो वहीं उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 19 अप्रैल की शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां से निकली महानदी में नाव पलट गई, यहां से निकली नाव महानदी में पलट गई, जिस पर 50 लोग से ज्यादा सवार थे। इस घटना में एक महिला की मौत भी हुई है, उनके शव को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं 3 बच्चों समेत 7 लोग अभी भी लापता है। बता दें, गोदखोर और एसडीआरएफ की टीम शनिवार को भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। ओडिशा सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। राज्य के सीएम नवीन पटनायक ने घटना पर दुख भी जताया है।